have to solve this the old-fashioned way. With mind-bending liberal impotent rage! A victory! हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आग लगाती चुल मचाती वीडियो में। और भाई सबको याद ही होगा हमने पिछली बार एक मैकलेन मॉडिफाई करवाई थी। तो भाई मैं बहुत दिनों बाद आज जीटीए में, लेकिन अब टेंशन मतलब अब जीटीए की भी लगातार सीरीज आने वाली है। तो गाइस आप सबको याद ही होगा हमने पिछली वाली वीडियो में एक मैकलेरन मॉडिफाई करवाई थी। तो भाई इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वाली वीडियो में हम उस गाड़ी को ना तो बेचेंगे ना खरीदेंगे, मतलब वो उस वाला सिस्टम मैंने खत्म कर दिया। अब क्या करते हैं, हम एक बढ़िया सी जगह पे चलते हैं और उसके घर में लूट मार लेते हैं, मतलब उसकी गाड़ी को चुरा के ले आते हैं। ऐसी गाड़ी नहीं चुराऊंगा मैं, चुराऊंगा एक बहुत बढ़िया मतलब बहुत कातिल गाड़ी चुराते हैं। जल्दी से चलते हैं फिर। सो गाइस, मैं तो ऐसे अपनी गाड़ी ढूंढने जा रहा था, मतलब ऐसा कोई घर ढूंढने जा रहा था जिसके अंदर बहुत बढ़िया गाड़ी हो, लेकिन मेरे पास तो फ्रैंकलिन का फोन आया। वो हमको कह रहा था कि यहाँ पे एक बड़ा आदमी आया है और वो हमारे साथ डील करना चाहता है, और वो कह रहा है कि उसके बदले वो हमको बहुत अच्छा खासा पैसा देगा। सही पैसा होगा, लेकिन उसका एक काम करना पड़ेगा। गाइस एक बार जल्दी से चलते हैं, उससे पूछ लेते हैं क्या डील है। तो गाइस फ्रैंकलिन ने मुझे लोकेशन भेज दी थी और वो कह रहा था कि टिनसेल टावर के अंदर वो आदमी खड़ा मिलेगा तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे। तो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस जल्दी से चलते हैं अंदर। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही सामने दो बंदे खड़े हैं और भाई साहब मैं सोच नहीं पा रहा यहाँ जाना है यहाँ जाना है। तो एक बार फ्रैंकलिन से पूछ लेता हूँ, कभी ये मेरे को खाम का ही मार दे। फ्रैंकलिन कह रहा है कि ये सामने बिल्कुल फ्लोर पे पहुंचते बिल्कुल सामने वाला ही कमरा उसका है। तो भाई मेरे को तो लग रहा है ये मेरे को मारेंगे। तो भाई एक काम करता हूँ, मैं चुपचाप चलता हूँ अंदर। भाई कुछ कहोगे तो नहीं? तो गाइस मेरे ख्याल से कुछ नहीं कहेंगे। जल्दी से चलते हैं अंदर। और भाई सामने दो आदमी और खड़े हैं, भाई मुझे तुमसे नहीं भिड़ना, जल्दी से चलते हैं। और भाई वो तो मेरी तरफ निशाना लगा रहे हैं। शायद मारेंगे नहीं अभी, तो मेरे ख्याल से यही वो आदमी है, इसी से बात करनी है शायद हमें। तो जल्दी से इससे बात कर लेते हैं, ये जो भी कहता होगा हम काम कर देंगे क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो गाइस इसने मुझे काम तो बता दिया है, लेकिन वो काम बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये कह रहा है कि अगर तुमने वो काम नहीं करा तो मैं फ्रैंकलिन को भी मार दूंगा। तो भाई मुझे मेरे ख्याल से वो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन भाई वो काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। मन तो ऐसा कर रहा है इसको यहीं गोली मार दूं, लेकिन इसके साथ जो ये आदमी खड़े हैं ये मेरे ऊपर ही एम लगा के बैठे हैं भाई, ये मेरे को सीधा मार देंगे। और भाई बाहर के जाने का भी रास्ता नहीं है, बाहर दो और आदमी खड़े हैं। तो भाई मेरा मन तो कर रहा है मैं इसका काम कर दूं, लेकिन उसके लिए हमको ये 3 मिलियन रुपये दे रहा है, मतलब 3 मिलियन डॉलर से हमें दे रहा है, लेकिन भाई वो काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस वो कह रहा था कि एयरपोर्ट पे है ना एक मिलिट्री बेस की गाड़ी आ रही है जिसमें बहुत सारे वेपन्स हैं और बहुत सारी मतलब खतरनाक गाड़ियां हैं, तुम्हें वो चुरा के लानी है। तो भाई काम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पहली बात तो हम मिलिट्री बेस में अंदर घुसेंगे ही कैसे, और घुस भी गए तो चुराने का तो सवाल ही नहीं उठता ना भाई। तो गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगा, पर अब करना तो पड़ेगा, हमारा दोस्त की भी तो जान खतरे में है और हमको वो 3 मिलियन डॉलर्स भी दे रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस मैं मिलिट्री बेस तक पहुंच चुका हूँ और भाई मेरे को एक रास्ता याद आ गया, और लेस्टर ने वो हमको एक बार हम मिलिट्री बेस में गाड़ी चुराने गए थे मिलिट्री की, तो उस समय लेस्टर ने हमें बताया था, लेकिन उस तरफ से गाड़ी नहीं जा सकती, सिर्फ हम जा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ, मैंने अभी लेस्टर से बात करी तो उसने मेरे को वो रास्ता याद दिलाया था, तो जल्दी से उसी रास्ते से हम अंदर जाएंगे। तो गाइस आपको दिखाता हूँ वो रास्ता। तो गाइस ये है वो जगह, मतलब यहाँ से हम बिल्कुल आराम से अंदर जा सकते हैं, आपको दिखाता हूँ अंदर जाके, और चुपचाप जाएंगे, मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा हम कब अंदर आ गए और कब बाहर चले गए। तो गाइस ये सिर्फ अंदर जाने का रास्ता है, तो गाइस हम यहाँ से तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन हम बाहर वहीं से जाएंगे क्योंकि हमको ट्रंक लेना है और वहाँ से वो कंटेनर गाड़ियाँ जो भी हमको चुराने हैं मिलिट्री बेस को, सब कुछ जो भी उसने कहा है वो चुरा के हम चले जाएंगे। वो थोड़ा सा हमको डैमेज पहुँचता है, देखो थोड़ी हेल्थ रही है, लेकिन कुछ भी हम अंदर आ चुके हैं, हम चुपचाप सब चुरा लेंगे यहाँ से।
तो गाइज मेरे को एक बार उनको फोन करना पड़ेगा कि कहाँ पे सारा सामान है, या फिर हम ढूंढ लेते हैं, एक काम करते हैं हम ढूंढ लेते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो गाइस मुझे ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी है और मुझे अब तक वो जगह नहीं मिली। और भाई मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एक मेन हैंगर है उसका, मिलिट्री बेस का एक मेन हैंगर है, उसके सामने ही वो गाड़ियाँ और वेपन्स पड़े हैं। तो यार मेरे को अब तक तो मिली नहीं, और मेरे को ये गाड़ियाँ मिली हैं यहाँ पर, और भाई मैं दो बार फंस भी चुका हूँ, मैंने दो बंदे मार दिए चुपचाप। तो भाई अभी आगे चलते हैं, मुझे अभी तक तो वो जगह दिखी नहीं थी, मेरे ख्याल से ये रास्ता तो बंद है। फिर एक काम करते हैं आगे से चलते हैं। गाइस जल्दी से चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक ट्रक खड़ा तो है पर मेरे ख्याल से वो वाला, और भाई गाड़ियां हैं वहां पे। ओ भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो गाड़ियां मिल गई और भाई सब सारी की सारी सुपर कार्स हैं। भाई एक मिनट रुक जा, आदमी तो नहीं यहाँ पे कोई फोन। नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, चलो भाई फायदा हो गया। वो भाई साहब सारे कितने सारे वेपन्स हैं यहाँ। तो गाइस मैं सारी की सारी गाड़ी और वेपन्स लेके जाऊंगा। तो एक काम करते हैं पहले इसको इस ट्रक में भरते हैं, इस ट्रक का ट्रंक खोलता हूँ मैं। तो गाइस मैंने चुपचाप सारी गाड़ियाँ ट्रक में भर लिया, बस ये दो बॉक्सेस रह चुके हैं। गाइस मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि भाई ट्रक पूरा भर चुका है। तो जल्दी से चलते हैं भाई, भाई चुपचाप हमको जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अभी तक कोई आदमी दिखा नहीं है। और भाई अगर मैं चुपचाप निकल गया तो फायदा है, वरना लड़ाई करनी पड़ेगी काम का। अच्छा हमको सिखा रहा है, अच्छा बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो भी मैं चुपचाप निकलता हूँ यहाँ से, देखते हैं निकलने का रास्ता कहाँ से मिलता है हमको। क्योंकि भाई लेस्टर ने हमें सिर्फ आने का रास्ता बनाया था, जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं मिला था। तो भाई सामने 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 बंदे हैं, सामने बंदे हैं। नहीं पलटना नहीं पलटना नहीं। तो गाइस एक काम करता हूँ, शायद वो मुझे कुछ कह नहीं रहे। तो गाइस मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे है ना मिलिट्री के लुक बनना पड़ेगा, मतलब मिलिट्री के लुक में जाना पड़ेगा, तभी वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं ट्रांसपोर्ट वाले कोटा से निकल जाऊँगा। तो अभी चुपचाप पहले है ना एक आर्मी को मारते हैं और उसके कपड़े चुराते हैं। कोई मिलिट्री वाला दिख जाए तो अच्छा हो जाए। तो जल्दी से मैं किसी मिलिट्री, हाँ तो यहाँ पे एक मिलिट्री वाले हैं, चुपचाप जाता हूँ, अभी तक तो देखा नहीं। हाँ तो गाइस ये ट्रांसपोर्ट वाले ही हैं, तो मुझे इन्हीं को में से किसी एक को पकड़ना है। तो मैं अभी चुपचाप जाऊँगा और उसको एक को मार देंगे। तो गाइस ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं कहीं और चलते हैं, वहाँ पे किसी आदमी को देखते हैं। बहुत देर के बाद मुझे कपड़े तो मिल चुके हैं उसके, लेकिन भाई ये मिलिट्री वालों के नहीं है, ट्रांसपोर्ट वालों के नहीं, लेकिन इस पे भी वो कुछ नहीं कह रहे क्योंकि मैं दो तीन बार उनके सामने से जा चुका हूँ। तो भाई अब जल्दी से चलते हैं, काश वो कुछ ना कहे वरना भाई लड़ाई आ जाएगी, मार मोड़ दूंगा मैं सबको। तो अब चुपचाप एक बार जा के देखते हैं क्या पता रास्ते होंगे। भाई अभी तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं। भाई किसी ने कुछ नहीं कहा, तो जल्दी से चलते हैं भाई और वेट नहीं करना। तो गाइस मैं बाहर तो आ चुका हूँ, भाई यहाँ पे किसी चोर को पुलिस पकड़ रही थी, उसको लगा मेरे को पकड़ लेंगे। तो गाइस मैं बच गया बिल्कुल बाल बाल। चलो भाई बाहर तो आ चुके हैं, अब जल्दी से उस आदमी के पास चलते हैं। तो गाइस हम बस पूछने वाले हैं, शायद से मैं थोड़ा सा उल्टा आया, कोई नहीं।
गाइस हम वहां पे पहुंच चुके हैं। हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, इसको यहीं पे पार्क कर देते हैं और जल्दी से चलते हैं उसके पास। तो गाइस बिल्कुल माइकल ऑफिस वाला लग रहा है इसमें। तो गाइस हम ऊपर पहुंच चुके हैं, जल्दी से अंदर चलते हैं। तो गाइस अब आपने देखा उसके आदमी हम पे एम नहीं कर रहे, शायद उसको पता चल चुका है कि हमने उसका काम कर दिया। ये भी ठीक है, तो जल्दी से इसे पूछते हैं। तो गाइस हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करा इस आदमी ने, इसने हमको कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारे दोस्त को भी छोड़ दूंगा, और इसने हमको ही सरेंडर करवा दिया। इसने कहा है कि अगर तुमने मेरा एक और काम करा तभी मैं तुमको छोड़ूंगा, वरना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, और गाइस ये कह रहा है कि मैंने अपने दो गुंडे फ्रैंकलिन के पास भी भेज दिए हैं। तो गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, अब हमें इसका दूसरा काम भी करना पड़ेगा। कमेंट में बताना मैं इसका दूसरा काम करूं या नहीं, मतलब हमको सरेंडर करवा के खुद मेडिटेशन कर रहे हैं। तो गाइस आज वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।